था मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता, जिंदाबाद पाकिस्तान फाइट। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम इश्यूज हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सानहा सियालकोट, उसमें आज वज़ीर आज़म ऑफिस में एक तकरीब के जरिए मलिक अदनान, जिसने उस श्रीलंकन शहरी को उस बर्बरियत वाले हुजूम से बचाने की भरपूर कोशिश की, जिस तरह से मलिक अदनान को ना सिर्फ तारीफी सनद दी गई बल्कि एक्नॉलेज किया गया गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, कम अज़ कम मेरा दिल उससे कुछ ना कुछ खुश और कुछ ना कुछ मुतमइन ज़रूर हुआ है। और मुझे यकीन है कि पूरी कौम को 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों को इत्मीनान ज़रूर मिला होगा कि रियासत की पॉलिसियों से अगर कोई इख्तलाफ रहा है आवाम को और कौम को, और रियासत की पॉलिसियों में अगर कोई कन्फ्यूजन बरकरार रहती हुई नज़र आती थी, तो कम अज़ कम इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जो ये वाक़या है सानहा सियालकोट, शायद ये टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। और जिस तरह से रियासत की सतह पे जान बचाने वाले शख्स की जो है हौसला अफजाई की जा रही है और कौम को दिखाया जा रहा है कि ये है हमारे दीन का असल चेहरा, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा, और खास तौर पे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बात की कि दीन के नाम पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई भी अगर जुल्म करेगा और इस किस्म का जुल्म का तमाशा लगाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत बेहतरीन बयान है। और मैं सिदके दिल से ये दुआ करती हूँ, कम अज़ कम मैं पूरे सच्चाई के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के साथ हूँ, पूरी कौम उनके साथ है, और हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है, हमारा यकीन है कि पूरी रियासत हुकूमत के पीछे खड़ी होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और इस अज़म को यकीन में और अमल में बदलेगी, ताकि इस मुल्क से जो दहशतगर्दी का हमने खात्मा किया APS के वाक़े के बाद, तो इंतहा पसंदी का भी जो एक बहुत बड़ा अफरीत हमें झंझोड़ रहा है उससे भी हम निजात हासिल करें। तो सबसे पहले कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अज़म का साथ देने के लिए जो दीगर सियासी जमातें हैं वो कितना उनके साथ खड़ी होंगी, इस पर सवाल करेंगे। फिर दूसरा आगे बढ़ जाएंगे जी सियासत के मामलात पे, PDM के हवाले से, PDM का मार्च 23 को इसकी तारीख जो है वो मुतनाज़िया बन गई है, हुकूमत बार बार वार्न कर रही है। आज तो शेख रशीद साहब वजीर दाखिला, उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है कि रास्ते बंद होंगे, बाद में ना कहना कि जी खबर ना हुई 23 मार्च के हवाले से, लेकिन ओपोजिशन डटी हुई है कि जी हमने मार्च तो लाजमन करना है, अगर मार्च कर भी लिया तो उसके बाद क्या हासिल वसूल होगा ओपोजिशन को, यह अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस्तीफे अभी तक ओपोजिशन की तरफ से नहीं आ सके। और आज भी एक और इजलास था PDM का, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बात होनी थी, उस पर कोई फैसला होना था, वो भी नहीं हो सका, यानी कि अभी भी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक ही कंफ्यूजन का माहौल है PDM के अंदर। दूसरा कुछ मईशत की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन और अवाम तो चीख ही रहे थे, लेकिन अब तो हुकूमत की अपनी वजारत खजाना ने भी एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान में इस खत्ते में सबसे ज्यादा महंगाई है, और दूसरा 50 साल में 1971 के सकूत ढाका के बाद पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी करंसी की कदर इंतहाई गिर गई है, 50 साल में पहली बार हुआ है। सो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन एंड डिबेट के लिए ओपन करते हैं, मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं, तीनों सियासी जमातों के पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मौजूद हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर महमूद कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं जनाब आजिज धामरा साहब। बहुत बहुत अप्रिसिएशन मैं कहूंगी आमिर कियानी साहब के, दिल बहुत खुश हुआ है मेरा भी, पूरी कौम का भी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज बात की है कि दीन के नाम पे, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जिसने भी जुल्म किया ये बर्बरियत की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक खबर ऐसी भी आई थी कि जब एक कलदम तहरीके लबैक पाकिस्तान तमाशा लगाए हुए थी पाकिस्तान की सड़कों पर, तो वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त उनके साथ आनी हाथों से निमटना चाहते थे, लेकिन शायद रियासत का जो दीगर अपराटस था वो उस वक्त वज़ीर आज़म से एग्री नहीं करता था। क्या अब आप समझते हैं कि वो एग्रीमेंट एक पेज पे है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए बिल्कुल है, और इसकी
पीएम साहब से पहले भी जो उन्होंने बात की उससे पहले जो एक्शंस हुए हैं उनको भी आप देखें, उसमें जिस तरह पुलिस ने, जिस तरह इंतजामिया ने, जिस तरह जो मैनेजमेंट ने हैंडल किया, जिन पे प्रेशर पड़ा, उसमें 200 लोगों के लगभग 31 लोगों को अरेस्ट किया गया, 26 जो मेन कल्प्रिट थे उनको पकड़ा गया, उनको मतलब किसी किस्म की आप हम गुंजाइश नहीं छोड़ी, और इसी बुनियाद पर पीएम ने आज ये बात जो की है कि इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इस्लाम का जो कि एक खूबसूरत तरीन और अमन वाला दीन है, इसके नाम पर इस किस्म की बर्बरियत नाकाबले बर्दाश्त। और मुझे ऐड करने दीजिए आपकी इजाजत से कि हम सब आशिकाने रसूल हैं। देखिए यहाँ दो राय नहीं है, खुशकिस्मती ये है कि 99% मुसलमान है इस मुल्क में, कहीं तो डिवीजन ज्यादा बढ़ी है, यहाँ सब मुसलमान है। और कौन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता? ऐड कर दीजिए जो अकलियतें पाकिस्तान में रहती हैं वो भी रसूल अल्लाह सल्लम से बहुत प्यार करती हैं, बहुत एहतराम करती हैं। हम उनके गर्दे राह भी नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात को क्यों नहीं हम फॉलो कर सकते? और हम जो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, देखें बात किसी एक फिरके की मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये दीन को अगर सियासत से दूर रखा जाए इन द सेंस कि कम अज कम इस किस्म के जो वाकयात हैं उनके ऊपर ये ठप्पा ना लगाया जाए दीन का, अगर किसी ने किया है उसको उसके असल शक्ल में रहने दें कि जो हुआ है, ये तो अपनी असल शक्ल गुमा के उसको कवर करने के लिए दीन का नाम इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं सर। क्या आप हुकूमत की तरफ से यकीन दिला सकते हैं कि सानिहा सियालकोट आखिरी वाकया इस मुल्क में? देखें अल्लाह पाक के हुक्म से करने वाली उसकी जात है, पीएम पूरी डिटरमिंड है और अल्लाह का फजल ये भी है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर, आपके वहां के प्राइम मिनिस्टर और वहां के प्रेजिडेंट दोनों ने यह कहा जी कि हमें एतमाद है पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे और हमें यकीन है कि वो जस्टिस के साथ चलेंगे। अब हम पे और भी बर्डन है, इखलाकी बोझ भी है कि हमने ये करना है, इतना दर्दनाक और इतना तकलीफ दे वाकई हम कोई भी पाकिस्तानी। जैसे एपीएस के बाद कौम ने और रियासत ने हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि जी नो मोर, अब और नहीं, और अल्लाह का करम हुआ उसमें, अल्लाह का करम हुआ उसके बाद। अभी इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, अनफॉर्चुनेट है, बट सानिहा सियालकोट लास्ट इंसिडेंट है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ और हम इंशाल्लाह कोशिश पहले करेंगे और फिर दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा हमें मंजर दोबारा न दिखाए। अपोजिशन से पूछते हैं कि वो इस मामले पे हुकूमत के कितने साथ खड़ी हैं। तारिफ अल चौधरी साहब, सबसे बड़ी जमात है आपके अपोजिशन की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज कहा है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो भी जुल्म करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, मुस्लिम लीग नून कितना खड़ी होगी यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो बयान उनका सामने आया है ये कोई इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बुनियादी जो इस्लाम का जो दर्स है वो ये बात कहता है कि आप तशद्दुद, आप वहशत और आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम उनके नामूस को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह का वहशतनाक जो है वो सलूक किसी के साथ आप नहीं कर सकते, रियासत की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने भी कोई खुदा ना खास्ता किसी ने भी अगर कोई ऐसी हरकत की है तो जो उस जुमरे में आती है कि जिसे रियासत में कवानीन मौजूद है। और ये याद रहे कि कई ऐसे ममालिक से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त यहाँ पे इस्लामी कवानीन नहीं थे, आज वो कवानीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनका इतलाक होना चाहिए। और मैं इस कॉज की जो उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि उसका साथ देना बनता है और उसका साथ है। दो बातें जो कियानी साहब ने की हैं जी, उसके ऊपर मैं कोई सियासत नहीं करूंगा, बल्कि आप उसको पॉजिटिव सेंस में लें कि मेक श्योर के ऐसा दोबारा ना हो। एक जो उन्होंने कहा जी कि क्रेडिबिलिटी है और हमारी जो पीछे एक हिस्ट्री आई है, मैं क्रेडिबिलिटी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, माजी करीब में जिस तरह आपने तरीके लबैक की, आपने बात की, तो आपकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वजीर जो होता है ना वो गवर्नमेंट होता है, उन्होंने ये कहा जनाब कि ये दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया से फंड लेते हैं, ये रॉ इनके पीछे है, ये सारा आपको पता है। बिल्कुल। अगले ही दिन बगैर बताए हुए जनाब आप लोगों ने वायदा कर लिया और कौम से पोशीदा रखा जो आज तक पोशीदा है, एक बात। दूसरी बात, क्यानी साहब ने कहा जी कि इतने बंदे हमने अरेस्ट कर लिए, क्या वो आज भी बिहाइंड बार्स हैं? क्या वो जो 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे और जो बेशुमार जख्मी हुए, सारे मनाजिर आपने देखे मीडिया सोशल मीडिया पे, उनका कोई हिसाब किताब होगा? सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है गवर्नमेंट से। सर ये बिल्कुल वैलिड सवाल आते हैं, वैलिड सवाल आते हैं आपके ये जी। अब तीसरी बात ये है कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए, कैसे वाकयात दोबारा ना हो, इसके लिए तमाम जो सियासी जुअमा हैं, लीडर्स हैं, वो बैठे हैं, उलमा हजरात बैठे हैं और इस पर एक राय होनी चाहिए। यानी इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई सियासी बयान दे रहा हूं तो मजहबी लोग कोई मजहबी स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं,
एक राय होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए पूरी कौम का, एक बात। दूसरी बात, दो बातें और मैं इसमें ऐड करूंगा जरा क्विकली, फिर मैं सेंट्रल आजी साहब के पास जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। एक तो आपने अपनी जनरेशन को एजुकेट करना है, तालीम देनी है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह के वाकयात का रोकथाम कर सके हमेशा के लिए। ठीक है जी, कानून जो है वो उससे पहले बात हो चुकी है, वो तो आपने जैसे मैंने कहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरी बात ये है जी कि आपने अपने लोगों को जहां पे बच्चों को तालीम देनी है, इंसाफ जो हमारे मुल्क में अदालतों में नहीं हो रहा उसे आपने यकीनी बनाना है। ऐसे वाकयात जो माजी में हुए, अभी मिसाल एक नौजवान जो मरदान यूनिवर्सिटी में जी, उसे भी इसी तरह एक हुजूम ने कत्ल किया, क्या किसी शख्स को सजाए मौत हुई? मेरा ख्याल है को 5-6 साल हो गए हैं। इस निजाम को भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक अदालतों को, जजेस को ठीक करना पड़ेगा कि आप इंसाफ दें। अगर इंसाफ में लगते हैं आपके 18 साल, तो मुझे अब यह बताएं कि क्या लोगों के दिलों के अंदर किसी भी मामले में, ये मामला हो या वैसे को किसी इंसान की जान ले रहा हो, प्रॉपर्टी के मामले पे, जायदाद के मामले पे, किसी के दिल में डर रहेगा? तारिक साहब, ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, और इन्हीं का इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज किया था कि इस किस्म का कोई मामला हो तौहीन वगैरह का, तो वो तो वकील ही कोई वहां पे तैयार नहीं होता, जज कहता मैं केस नहीं लेता। आपकी इजाजत से जरा मैं सेंट्रल आजी साहब के पास चली जाऊं ताकि इस पर सबका कमेंट आ जाए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना स्टैंड करेगी हुकूमत के साथ, अगर हुकूमत आहनी हाथों से निमटना चाहती है या हुकूमत ने, रियासत ने फैसला कर लिया है कि इंतहा पसंदी नो मोर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें गरीदा, पहली बात तो जिस वाक्य को आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पर्सनली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि इस पर हम सियासत ना करें, मगर हम इतना क्लियर हों कि उस पर मुनाफिकत भी ना करें। नंबर वन, मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान में वो पार्टी हुकूमत में है जिसने माजी में इस तरह के लगे हुए धरनों में अपना एक रोल प्ले किया, उसमें पार्टिसिपेशन की और उनको उकसाया था इन तमाम मामलात में। जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो चौधरी साहब वालों की हुकूमत थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम उस बात से। उसके बाद जो मेन इशू है कि अपोजिशन किस तरह इन वाकयात में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़ी होगी, हम सच्चे दिल से, हमने तो पहले मईशत पे भी कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मेरे लीडर बिलावल भुट्टो ने कहा था, हमने कहा कि सीओडी करने के लिए तैयार है आपसे, आप नहीं बैठे। रिसेंटली 2 इजलास सलामती काउंसिल के हुए, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि वहां पर अपोजिशन बैठी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो आज आपने प्रोग्राम किया है उस पर आपने भी अप्रिशिएट किया, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है आपका, मगर दो अफराद का नाम लूंगा, एक रुकन पार्लियामेंट है पीटीआई के, एक वफाकी वजीर दिफा है। रुकन पार्लियामेंट है एजाज, रुकन पार्लियामेंट एजाज चौधरी साहब जाते हैं गुलदस्ता लेके उसी सूबे में जहां पर 5 से 8 शहीद हैं हमारे बावर्दी सिपाही पुलिस के, उनके यतीमों के पास प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके नहीं जाते, गुलदस्ता लेके नहीं जाते, मगर वहां पर कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा, मैं आपके सलाम देने आया हूं और आपके पास मौजूद हूं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप ही के वजीर ने अगले दिन फवाद चौधरी ने कहा कि ये बेहुदा हरकत है। अब एक कह रहा है कि बेहुदा है, एक प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ले गया, मगर वजीर दिफा ने कल क्या तबसरा किया है कि जज्बाती बच्चे हैं, उन्होंने अमल कर दिया। तो आप इन जज्बाती, जिस तरह काउंसलिंग की बात की डॉक्टर साहब ने, तो आप इन जज्बाती बच्चों को उकसा रहे हैं, ये दिफा के वजीर बात कर रहे हैं। उस पे मेरे ख्याल में जहां पर आज की तकरीब की जरूरत थी इमरान खान को, आपने अप्रिशिएट किया, वहां पर इन दोनों हजरात से पूछना चाहिए था और वजीर दिफा से पूछना चाहिए था कि मैं तो उस शख्स को बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा हूं, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो वहां पर साइलेंट है प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर झगड़ा है पीटीआई की पॉलिसी का आपस में। बिल्कुल ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस किए हैं डॉक्टर तारिक फजल साहब ने भी और सेंट्रल आदिश धामरा साहब ने भी कि सियासत करें, मुनाफकत ना करें। और फिर आप लोगों ने टीएलपी से खुफिया मुआयदा कर लिया, वो तो मंजर आम पे ले आए अगर आप इंतहा पसंदी वाकई खत्म करना चाहते हैं। आमिर क्या साहब जी, देखिये मैं बिल्कुल, देखिये एक अच्छी बात है कि इन्होंने आज ये, इस पे हम सब मुतफिक हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। पार्टी के अंदर जो होता है वो जाहिर है रिफ्लेक्ट करता है। खटक साहब का उन्होंने कहा, देखें एज ए सेक्रेटरी जनरल पार्टी का उनके बयान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मेरा लीडर है इमरान खान,
वो जो बयान वो देते हैं वो मैं बाइंडिंग भी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज बयान भी दिए। मज़म्मत करेंगे परवेज खटक? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर ये बयान और फिर उन्होंने खुद की है, उन्होंने फिर ट्वीट किया है, उन्होंने उसको 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 दोबारा उसके बारे में बड़ा सख्त आई ग्रीड, लेकिन ठीक है, मैं इसलिए खुद यहाँ बैठ कर इस पे वक्त नहीं जाया करना चाहता, उनको खुद ये चीज को जवाब देना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, नाराज ना होना, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना नहीं चाहिए और कौम को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि मैंने उनसे पूछा है, एजाज चौधरी से भी और इनसे? सर ये बात अब मैं क्योंकि पार्टी की अंदरूनी बात थी इसलिए मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, इस पे किसी पार्टी के मेंबर ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया बल्कि नाराजगी का किया, लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि इसको फिर पोलिटिसाइज हो जाएगा काम। पीएम साहब का जो सोच है आपने देखी, दुनिया देखो, और वो हैं भी बेसिकली उनसे 26 साल का सफर है। उनके कहने का मतलब ये है जो कि वैलिड है कि जब इस किस्म का माइंडसेट गवर्नमेंट के अंदर खुद बैठा हुआ है तो फिर आप रिफॉर्म किस तरह लेके आएंगे? वैसे मैं ऐसा ये कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पूरी पार्टी एक तरफ अगर एक बंदे ने बयान दिया तो आउट ऑफ ब्लूज दिया है, मैं हम ना उसको डिफेंड करें ना नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहे। और मैं फिर कहूंगा कि इस वक्त मैं समझता हूं कि ये भी बड़ी बात होती है, हम सब क्योंकि हमारे लिए सबसे मुकदम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी है, हम सब इंशाल्लाह ताला यहाँ चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे फोर्सेस हो, चाहे हमारे मजहबी जमातें हों, हम सब इकट्ठे हैं। देखिए पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो मैं ये अभी इस वक्त जो माहौल है उस पर अल्लाह का करम है, मैं क्योंकि कन्विंस हूँ कि आप भी हैं कि इस पर हम ये जो इशू है इसको हम जिस तरीके से अगर हैंडल करेंगे ये हमारा रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने क्या किया, और उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि इसको एक मिसाल। लेकिन सर ओपोजिशन और आवाम अगर मुतालबा कर रही है कि आप टीएलपी जिसके साथ कलदम भी आपने हटा दिया, अच्छा, उसका मुआयदा तो अगर आप नजरिया है ना, नजरिया की बात कर रहे हैं तारिक अज़हर साहब। देखिए मैं अभी एक और गुजारिश, फिर वो पोलिटिकल हो जाएगा सारा मामला। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी टीएलपी ने इसको भी उनके बंदे वो नहीं क्लेम कर रहे कि हमारे बंदों ने किया है, उन्होंने तो कोई ऐसी क्लेम ही नहीं किया। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, लेकिन डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बैठ के चीजें हल करने वाली हैं, उनको भी ऑन बोर्ड करके मसले हल करने वाले हैं। स्टेट की बहुत सारी कह रहे हैं कि इंतहा पसंद से निमटने के लिए टीएलपी को साथ बिठाना पड़ेगा। अभी नहीं, देखिए ये तो नहीं आ सकता। देखिए मेरी जो अपनी सोच है और मैं समझता हूँ इस वक्त आपको तमाम तर जमातों को बैठाकर उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके साथ बैठ के टीएलपी, देखिए टीएलपी आप ये कह सकती हैं टीएलपी अब आपका एक वजूद है, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं और 50,000 वोट उन्होंने लिए हैं, मिसाल दे रहा हूं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये इशू कैसे लड़ेंगे सर, ये तो मसला है। ये हर पहले भी अब मैं फिर आ जाएगा सियासी बात, पार्टी का दौर भी हुआ या नून लीग का हुआ, टीएलपी आई वहां भी सुलह हुई, फैजाबाद में भी सुलह हुई, मैं एक बात करूं हुई ना, लेकिन देखें अब आगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है ये पॉलिटिकल हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त इससे हल ये है कि हमें एक कलेक्टिव थिंकिंग के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें मीडिया में भी जब फैजाबाद में मसला बना तो मीडिया ने उनको सपोर्ट भी किया, ठीक, ये भी आप जानती हैं मीडिया के बहुत सारे थे लोग जो सपोर्ट करते रहे, तो मीडिया का भी हम समझते हैं उनका बहुत अहम रोल है, हर रात को हर घर में मीडिया होता है, तो इनका मैं समझता हूं इनका दो कदम आगे बढ़ गया है। तो मैं फिलहाल जो आपने टॉपिक छेड़ा उसकी मैं ये कहूंगा, क्विकली अगर रिस्पॉन्ड कर दें, तारिक फल साहब ने जो कहा कि आपने एक खुफिया मुआहिदा किया, अगर वो मुतालबा कर रही है अपोजिशन की जमात के पार्लियामान में ले आए वो मुआहिदा, आप पार्लियामान में ले आएंगे? अगर कोई मुआहिदा हुआ है जो मुझे अंदाजा नहीं क्योंकि मैं उसमें नहीं था, अगर है ऐसा तो जरूर एज ए पार्टी नहीं हुआ, ये वो वाली बात ना हो जाए कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मुआहिदे का बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने पढ़ा, ठीक है, वो किस फुटिक पे हुआ है, किस उस पे हुआ, आई डोंट नो, तो यहाँ पे आके वो बयान देना जो मुझे इल्म ना हो मैं खैर गैर मुनासिब बात है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, आदि धामरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इनका जी। गरीदा, मेरे ख्याल में आपको ब्रेकिंग न्यूज तो मिल गई है सवाल के जवाब में, मगर दूसरी बात मैं क्यानी साहब को कह रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस क्राइसिस में रियासत के साथ तो जरूर खड़ी होंगी, जो मुझे खदशा है कि आप ही की टीम में से फिर ये सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश हमारी पांच कंट्रोवर्सी है, एक बंदा है, मैंने एजाज का नाम लिया चौधरी का, सारी पूरी की पूरी माशाल्लाह जी भी कश्मीर केपी पंजाब सेंटर सब खड़े हुए हैं और हजारों पार्लियामेंटेरियन हमारे, आप अपने वजीरों को खामोश कराएं, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो साजिश करते हैं ना, मैं उसकी बात कर नहीं करना चाहता, मैं माजिश के साथ कह रहा हूं। इसका जवाब शामिल कैन साहब ने तफसील से दे भी दिया, पर शायद सेंटर आदिश धामरा साहब कुछ मजीद तसल्ली से जवाब लेना चाहते हैं, सो वो लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, जैसे कि शॉर्ट क्विक ब्रेक, डॉक्टर तारिक फल चौधरी साहब, आमिर महमूद क्यानी साहब और सेंटर आदिश धामरा साहब मौजूद हैं, विल कम बैक एंड डिस्कस मोर। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात अब सियासत की हो जाए और डॉक्टर तारिफ अल सऊदी साहब, जरा आप जवाब देने के लिए कटहरे में तशरीफ ले आइए कि पीडीएम के अंदर कंफ्यूजन क्या है। लॉन्ग मार्च को आपने महंगाई मार्च कह दिया, वो भी आपने 3 महीने के बाद। जिस महंगाई मार्च की बात की गई है या जिसका नाम लॉन्ग मार्च था, ये जब तक प्रॉपर तैयारी के साथ और मौसर तरीके से ना किया जाए, इसका कोई फायदा या उसका जो रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं या पाकिस्तान की आवाम लेना चाह रहे हैं, वो निकलेगा नहीं। कि आप कॉल दें जनाब, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा जलसा आपने देखा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जो सूबाई हेडक्वार्टर हैं, जिले हेडक्वार्टर हैं, वहां पे जलसे हुए, पीडीएम की सारी क्यादत, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, लाहौर, सवात और आपका कराची तक, हर जगह के ऊपर जलसे हुए। लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं निकला जो कौम निकालना चाहती है, और वो है इस हुकूमत से जान छुड़ाना, जिसने उनका जीना जो है वो अजाब कर दिया है, उनका जीना जो है वो मुश्किल। तो ये 23 मार्च वाला जो लॉन्ग मार्च है, इसके बाद आप हुकूमत गिरा देंगे इमरान खान साहब की? मेरा अपना जाती ख्याल ये है जी कि शायद मार्च, 23 मार्च से पहले ही हुकूमत जो है वो रुखसत हो जाए। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये नई तारीख आम आदमी पे पड़ चुका है, नोट कर लें। और हुकूमत इस वक्त जिस तरह उनकी बैसाखियां हट चुकी हैं, और बैसाखियां जहां से उन्हें दी गई थी वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है, अब ये अपने बोझ से खुद गिर रहे हैं। आमिर खान साहब, 23 मार्च से पहले ही आपकी हुकूमत गिर जाएगी, कौन डेट आ गई है? पीडीएम 1.5 साल से नहीं, मुर्दा घोड़ा है ये बेचारा। अनफॉर्चुनेटली ये एक लाश ही है तकरीबन। इन्होंने जलसों का जिक्र किया, ये जो तरीके डॉक्टर साहब दे भी रहे हैं ना, ये तरीके मरियम ने भी दी थी, सब ने दी थी कि ये आर पार 20 से पहले चले जाएंगे। ये उनकी लीडर ने कहा था, ये तो कोई नई तारीख दे रहे हैं। अच्छा, इन पे काम भी तारीखों पे चल रहा है। ये जिस तरह कचहरी की तारीखें होती है ना कोर्ट की, ये वो तारीखों वाली बात कर रहे हैं, कुछ 18 साल चलती है लेकिन तारीखें हर महीने पड़ती हैं। अब तारीख जो दी है वो दी है 4 महीने की, 4 महीने की। अब जाहिर है इनका दिल अगली तारीख मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं ना। एक और तारीख दी ना तो ये 2023 के इलेक्शन में चली जाएगी। मसला ये है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही कि पीडीएम का बाजू इधर चला गया, टूट गया, दूसरा टूट गया है, कोई पार्टियां इकट्ठी नहीं। अब ये बिल्कुल इसमें अब कोई रूह नहीं है। और ये जो नाराज हो रहे हैं कि आपको इस्तीफों की बात, इस्तीफे तो ये कई दफा दे चुके हैं भाई। इस्तीफा इन्होंने देना है, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जाके अपनी अपनी दरखास्तें लिखनी है और हैंड ओवर करना। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बिलीव मी कि हमारे कोर कमेटी में और जब भी मीटिंग जो कोर की होती है, खुदा गवाह कि पीडीएम के ऊपर एक बात नहीं होती। हमें इतना इसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग पीडीएम से कर देते हैं, फिर आपको पता है जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक करना होता है, लेकिन वो तो आप शेख रशीद की बात कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब भी आपके जो की हुकूमत के तर्जुमान हैं, पीडीएम का उन्होंने लफ्ज सुन लेके क्या है उन्होंने, पीडीएम तो हमारे लिए ना ये इस तरह ही है कि हम नॉन इशू है, नॉन इशू, ऑनेस्टली नॉन इशू है, वरना ये कोर में डिस्कस होता, और नॉन इशू है। और ये तारीखों के अलावा मुझे बताएं मौलाना साहब के पल्ले क्या है? इस्तीफा वो पिट रहे हैं या खुदा गवाह से इस्तीफा दे दो। अब प्रॉब्लम है इस्तीफा देने को तैयार नहीं, पीपल पार्टी छोड़ चुकी है पीडीएम को, लेकिन पीपल्स पार्टी आज खुद आप लोगों के लिए बड़ा खतरा बन रही है। जरदारी साहब बार बार ये ना ब्लेम कर, वो एक अलग चीज है। आप बात है पीडीएम की ना, ये 11 जमातें थी, उसमें से मैं एनपी भी चली गई, ये भी चले गए, बड़ी जमातें गई है ना, जो भी आप समझे। अब इनका सिर्फ घसीट रहे हैं तो घसीटते रहे। उस सेंटर आजीज धामरा साहब, पीडीएम तो लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर बिल्कुल उसके पर कट गए हैं, उसके बाजू कट गए, जैसे आमिर कियानी साहब बता रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब बड़े पुरयकीन है, बिलावल भुट्टो बड़े पुरयकीन है कि अगला साल इंतखाबात का हो रहा है और अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ रही है, ये किस तरह से देखे? पीडीएम की आवाज अभी नहीं आ रही, वो अलग मामला है, मगर आपके शो में पीडीएम की नुमाइंदगी भी है और हुकूमत की भी है, वो तो दोनों साइड एक जवाब आ सकते हैं उनके, क्योंकि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम से हमें जब निकाला गया था एक पॉइंट पे, कि जिस लिए हमें कहा गया था लास्ट दिसंबर में कि हम जनवरी में इस्तीफा लेने जाएंगे, फिर हमें मैसेज मिला कि जी आपने इस्तीफा देना है, तो हमने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, क्योंकि पीटीआई के अंदर से बहुत सारी दरारें थी और आपने देखा कि पहले तो ये इससे भी एग्री नहीं कर रहे थे कि जो बाय इलेक्शन मुल्क में हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने कहा कि लेना चाहिए, और उसके फिर फायदा भी हुआ कि बहुत सारे बाय इलेक्शन अपोजिशन ने जीते। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली पोलिंग, हमारे पास अददी शुमार नहीं था नंबर्स का, मगर वो भी हमने जीता। तो ये एक हिकमत मिली होती है पॉलिटिकली, जिससे एग्री नहीं किया गया और उसके जवाब में हमें सजा मिली और हमें पीडीएम से बाहर निकाल दिया गया।
अब पीडीएम ने अपने शेड्यूल के तहत अनाउंस किया है, हुकूमत की अपनी हिकमत अमली है, उसमें तबसरे हैं। मुझे एहतराम है पीडीएम के लिए, इसलिए कि वो अपोजिशन का एक इतिहाद है, मेरी उम्मीद है कि वो मजबूत हो चले, मगर पीपुल्स पार्टी अपने तौर पर सिंगल पार्टी जलसा पिशावर में कर चुकी, मेरे ख्याल में आप जो हैं आई विटनेस हैं उसकी, कि सिंगल पार्टी जलसा था, किसी दूसरी पार्टी के लोग हमारे पास शरीक नहीं थे। बड़ा अच्छा, बड़ा कामयाब जलसा आप लोगों ने किया, बावजूद इसके कि उससे पहले पीटीआई और पीडीएम को कुछ अच्छा शो वहाँ नहीं कर सके थे, वो 800 बंदे थे पीडीएम, तो ये उतार चढ़ाव पीटीआई के कुछ ज्यादा नहीं थे। हमारे जलसे आपको मैं भेजूं, वो इतने बड़े माशाल्लाह पिशावर के जलसे, आज धामा साहब बात मुकम्मल कर लें। जी धामा साहब, क्यानी साहब, नहीं क्यानी साहब, उस पर जरा आप दिल पे ना लें इसकी बात को, क्योंकि आप लोग कहते थे कि ये पीपुल्स पार्टी जो है वो एक सूबे की वो भी अपना इंटीरियर की पार्टी बन चुकी है, तो सिंगल पार्टी जलसा था और आप वहां पावर में भी हैं और आपके पास बहुत सारी सहूलतें थी, यहां तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पीडीएम की बात की, दो दिन वो फोटेज पीडीएम की, पीडीएम की, और आपका भी जो दो दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर ने जलसा किया था महमूद खान ने, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो चलो, इस तरह उतार चढ़ाव आता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मगर मैंने कहा कि अपोजिशन के नाते में पीडीएम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं कि वो बिल्कुल तकड़े दम से बाहर निकलें, मगर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे वो भी उनका मामला है, मगर हमें इस पॉइंट पे निकाला गया था। तो महंगाई के खिलाफ पीपुल्स पार्टी इस जुमे को, पहले भी हमने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जीबी में कश्मीर में मुजाहरे किए थे, और महंगाई के खिलाफ इस जुमे को, जुमे नमाज के बाद भी भरपूर अवामी एहतजाज पीपुल्स पार्टी कर रही है। सर, इस जुमे को आप ना करें, इस जुमे को तो मेरा ख्याल है कि उलमा काउंसिल ने पूरे मुल्क में जो है वो यौम मजम्मत मनाने का ऐलान किया है सानहा सियालकोट का, तो मेरे ख्याल है कि पीपुल्स पार्टी को इस जुमे को करना चाहिए। देखें, वो तो उलमा काउंसिल गरीदा, अगर वो उलमा काउंसिल करे या पूरी, वो तो पूरी कौम मजम्मत कर रही है, जो घरों से नहीं निकलेंगे वो भी करेंगे, जो घरों से निकलेंगे वो भी करेंगे, वो तो पूरी कौम का नेशन। तारिक फल साहब, पीडीएम, आप लोगों ने महंगाई मार्च का, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया, आमिर क्यानी साहब कहते हैं कि एक और तारीख आपकी आ गई तो 2023 के इलेक्शन तक चला जाएगा आपका महंगाई मार्च, और दूसरा ना इस्तीफे ना अदम एतमाद, तो आप लोग फिर अचीव कैसे करेंगे गवर्नमेंट गिराना? देखिए, रास्ता जो भी इख्तियार किया जाएगा गवर्नमेंट गिराने का, वो पहली बात तो ये है कि आईनी होगा। हम कोई भी ऐसा रास्ता ना इख्तियार करने की बात की है और ना करने जा रहे हैं जो गैर आईनी हो। ठीक। और वो रास्ता जो है सबसे कॉमन बात जो है वो यही है कि तहरीकी अदम एतमाद के जरिए, उन ऑप्शंस के ऊपर भी पीडीएम के सरबराही इजलास में बात हुई है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मीडिया पर शेयर की गई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जाहिर है कोई भी जमात या कोई भी इतिहाद वो अपने सारे पते एक वक्त में सामने नहीं लेके आता, और एक स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत हम चल रहे होते हैं। ये एक अवामी राय है जो अभी जिस महंगाई मार्च की बात की गई है, अवाम की जिंदगी किस कदर मुश्किल हो चुकी है, ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि हर सतह के ऊपर लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, लोग मजम्मत कर रहे हैं, जिन मुश्किलात का शिकार है, और हमारे जो हुकूमती तर्जमान हैं वो अवाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई चूंकि आलमी सतह के ऊपर हो गई है इसलिए आप पिस रहे हैं, और दूसरा चूंकि कोविड था इसलिए आप पिस रहे हैं, आलमी मंडी की कीमतों में इजाफा हुआ है इसलिए आप पिस रहे हैं, इसके ऊपर इनका कोई बयानिया नहीं है। हालांकि जो हमारे यहाँ पे लोकल बैड गवर्नेंस, बद इंतजामी, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो मौजूदा हुकूमत का है, सूबाई हुकूमतों का है, उसकी वजह से लोग जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए तैयार। चलें चलें तारिक साहब, ये बातें तो आपकी ठीक है, महंगाई तो है, लेकिन मेरे एक क्विकली सवाल का जवाब दे दीजिएगा सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, 23 मार्च की तारीख क्यों? ये तो वो दिन है जो कि कौम को मुत्तहिद करता है, तो आप लोग इस तारीख पे नजरसानी करेंगे? गवर्नमेंट भी आपसे अपील कर रही है और धमकी भी दे रही है साथ साथ। हम 23 मार्च में महंगाई मार्च हुआ है, हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये कौम को मुत्तहिद करने के लिए ही है, खुदा ना खास्ता इंतजार पैदा करने के लिए नहीं है। 24 कर लेना, 22 कर लेना, 25 कर लें, 26 कर लें, 23 मार्च क्यों सर? एक दिन है पाकिस्तान से एसोसिएटेड, आगे पीछे। बात यह है कि 23 मार्च में कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस मार्च में कि जो मैं कहूँ कि फितने की है, फसाद की है या इंतजार की है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी मुराद 23 मार्च की परेड से है तो वो परेड सुबह जो है वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 11 बजे के करीब खत्म हो जाती है, उसके बाद रूटीन की एक्टिविटी होती है पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम किसी परेड देखने इस्लामाबाद आ रहे हैं, इवेंट को खुदा ना खास्ता को खराब करने की बात कर रहे हैं। आप लोग परेड देखने इस्लामाबाद आ रहे हैं? हम कोई देखिए परेड भी जाहिर है वो पाकिस्तान के कौमी दिन की परेड है, वो देखना भी कोई ऐसी कोई अपोजिशन के लिए गलत बात नहीं है। हालांकि जब हम गवर्नमेंट में थे हम अपोजिशन को बुलाया करते थे, मौजूदा हुकूमत वगैरह अपोजिशन को नहीं बुलाती, ये तो अपना अपना स्टाइल है या अपना अपना जर्फ या जो भी आप इसको कह लें।
लेकिन वो नजर आ जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 23 मार्च को आप लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको दावत दे दे परेड देखने की, आमिर साहब जरा जवाब दे दे। जी बोले, बोले। नहीं, ये तो आपने कोई वो जो सवाल किया है इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैंने वज़ीर दाखला साहब की एक बात सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा जनाब के काफले भी आते हैं और भाई 23 मार्च को जो परेड होती है उसकी रिहर्सल यहाँ इस्लामाबाद में की जाती है। हाँ। तमाम आर्मी की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हफ्ता नहीं कई हफ्ते पहले हो चुकी होती है जी। तो लिहाजा जीटी रोड से कोई काफले नहीं आते, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसके ऊपर कोई जुलूस आ रहे होते हैं शिरकत के लिए। और मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ इसको लिंक कर रही है आपकी लॉन्ग मार्च या महंगाई मार्च के साथ, कौन को कंफ्यूज कर सके। हम किसी तौर पे भी ना किसी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये महंगाई मार्च अवाम के लिए है। इस मुल्क में जो जमहूरियत पे शब खून मारा गया पिछले इलेक्शन में, इंतखाबात पे शब खून मारा गया, आइन पे शब खून मारा गया, उसे रिस्टोर करने की बात करने के लिए आ रहे हैं, मुल्क के निजाम को इदारों को मजबूत करने की बात करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वो मावरा आईन होगी या मावरा कानून होगी या जहाँ से कोई बहुत कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी। ठीक है, ऐसे के शॉर्ट क्विक ब्रेक, डॉक्टर तारिक अल चौधरी साहब, आमिर महमूद क्यानी साहब और सेंट्रल आजिज धामरा साहब मौजूद है, विल कम बैक एंड डिस्कस मोर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आरिज धामरा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। आमिर कहने जी, मैं ये कह रहा था जैसे कि 23 मार्च के हवाले से जो स्पेशली डेट को कोट किया जा रहा है ना, तो आपको याद होगा कि 2014 में पीटीआई ने लाहौर से 14 अगस्त को मार्च शुरू किया था, आजादी मार्च। उसमें भी क्लैश का खतरा था, झगड़े का खतरा था, क्योंकि वहां पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। तो ये पहले भी कर चुके हैं और मेरे ख्याल में पीडीएम ने एक सियासी हिकमत अमली इस तरह भी इख्तियार की है कि इनकी दावा है कि 2 से 3 महीने के बाद महंगाई खत्म होनी है, इनका दावा है इनके शौकत तरीन का। सर, 15 दिन, तो पीडीएम ने भी 2 महीने की डेट इसलिए रखी है, 15 दिन के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी सर, 2-3 महीने। तो पीडीएम ने भी लंबी डेट इसलिए रखी है कि अगर महंगाई खत्म होगी तो ये कहेंगे कि जी हमारे प्रेशर की वजह से खत्म। ये डेट इसलिए रखी है धामरा साहब, लंबी डेट इसलिए रखी है कि महंगाई मार्च से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा जो लॉन्ग मार्च पे करना है। चलो महंगाई भी खत्म हो जाए तो ये भी कौम के लिए अच्छा शगुन है। आरिज धामरा साहब एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं, पीटीआई को फिर पीएमएलएन को। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है डॉक्टर साहब की, बड़ी महंगाई इस हुकूमत के दौर में खत्म होने बस की बात नहीं है। अच्छा ये बेचारे डेटे मैंने कहा ना, एक आध डेट और में काम पूरा हो जाए। अब ये ख्वाहिशात अभी की नहीं है, ये जब से बनी है ना पीडीएम तब से जनाब ये ख्वाहिशात है। ये ऑपोजिशन है, देखें इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑपोजिशन में जब होता है ये जो बातें ना डॉक्टर साहब ने की हैं यही बातें होती हैं, ये रिपीटेशन होती रहती है, ये इसमें कुछ सेकंड। सर आपकी तो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया आज के महंगाई सबसे ज्यादा है। सर हमने क्या कहा, हमने तो ये नहीं कह रहे कि 23 माह से आगे ले जाए, हम कहते हैं 23 माह से पहले कर लें। आपने शेख रशीद का बयान सुना, उसने कहा जी 15 दिन पहले कर लें। अब हमने तो या तो कहते जी बड़ा खौफ हो गया जो अब बाद में करें, उसने कहा जी आप इतना करें कि पहले 15 दिन कर लें। अब प्रॉब्लम उनका ये है कि 23 मार्च से पहले आपकी गवर्नमेंट नहीं, वो तो ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, ख्वाहिशें तो बड़ी होती है। अच्छा। लेकिन जहां तक महंगाई का चले के देखें, रिपीटेशन की बात नहीं है, वी शुड बी ऑनेस्ट कि इंटरनेशनल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है आज कि पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि कोई शक नहीं है महंगाई 400% महंगी हो गई, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ महंगाई हुई है, कोई शक नहीं है इसमें, महंगाई इसलिए हुई है कि जो कौन सी हुकूमत मुझे बताएं कि खुद चाहती हो कि महंगाई हो, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनली आपको जो कंटेनर $1,000 में आता था अब वो $9,000 में आता है और हर अशिया जो होती है वो उसी टर्म्स में आती है। और ये जो बातें कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली 40-40 साल और 50-50 साल पुरानी हुकूमतें ये हैं, और इनकी अप्रोच तो देखें कि इस मुल्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम था, एग्रीकल्चर लैंड थी, इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। आपकी दालें और आपके कुकिंग ऑयल तक आज तक इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी आज तो सच बोलें कि हमारी 50 साल की हुकूमतों ने इस मुल्क का सत्यानाश और भड़क किया है। और ये सच है कि आज अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट्स कम होती, इनका लास्ट बिल कितना था आपको पता है, 37 बिलियन डॉलर का दवाइयों को भी कुछ ट्रेड डेफिसिट। बात तो कर लो ना जी, 37 बिलियन ट्रेड डेफिसिट दवाई की बात, सब महंगा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट था 37 बिलियन रिकॉर्ड था पाकिस्तान का, जो नून लीग गई तो 37 वो नीचे आया। आपके बैंक रिजर्व 9 बिलियन थे, आज आपके 17 बिलियन के बैंक रिजर्व्स हैं। तो ये है कि आप जब फाउंडेशन किसी के रखते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं,
इन्होंने 40 साल हुकूमत की, आज इनको 3 साल की हुकूमत पे तकलीफ है। तो अगर 3 साल की हुकूमत पे तकलीफ है तो आप मुझे एक घर बनाने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं। तो ये वो बातें करें जो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि 40 साल का जवाब दें। ये तो जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का अनफॉर्चुनेटली हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों जमातें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी लेवल पे देख लीजिए, क्या हेल्थ, क्या एजुकेशन, नेम इट, इनका जो काम इन्होंने किया है इस मुल्क की तबाही उतारी है। कराची कौन सा सोने के उसके वो लग गए हैं, देखिए बेसिकली वो तो या तो ना कराची ना पीने का पानी ना सीवरेज का निजाम, बारिश हो जाए तो आधे आधे लोग डूबे पड़े होते हैं, कंटेनर माफिया वहां पे है, लैंड माफिया वहां पे है, कराची की तो कोई हाल ही नहीं है ना। ठीक ठीक, टाइम खत्म हो रहा है, आरिज धामरा साहब काफी देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आरिज साहब क्विकली जरा प्लीज। गरीदा साहब आज साहिबा आज ये कियानी साहब से पूछ लें कि दवाई कब सस्ती होगी जो 400% आपकी हुकूमत में महंगी हुई थी, बस ये खुशखबरी को हमको दे दें। आपका जवाब इसी बड़े लॉजिकली दे देता हूँ, आप एक काम करें, आप मुझे अपना एड्रेस दे दे, नहीं सुन ले ना, सुन ले, मैं सब दवा रहा हूँ, नहीं कराची में तो बहुत वो दरिया बह रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं दवाई सुन लेना, वो मुझे पता है जो आप बात करने की कोशिश करें, अल्लाह का बड़ा करने में तो वैक्सीन नहीं, सर सिंध में तो वैक्सीन नहीं है, तो कुत्ते की मार कुत्ता काट ले तो वैक्सीन नहीं है, आपके लड़काना में करवा दे, आपके लड़काना में ये हालत है, आप पंजाब वाले में लड़काना, पंजाब में दवाई सस्ती कर दे, जैसा किया है आप, ये इस्लामाबाद में दवाई सस्ती कर दे, नालियां आप ना कोयला में सस्ती कर दे, आप लोग भी बाहर के कर दे, आप रोड पे के माल के मेरी दवाई सस्ती कर दे, आप सब कुछ दवाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन सिंध को कंट्रोल करें प्लीज, मैं हाथ जोड़ नहीं, दवाई सस्ती कब होगी, सिंध को कर ले प्लीज, दवाई सस्ती कब होगी मुल्क में, टाइम खत्म हो रहा है, तारिक साहब आपका लास्ट कमेंट चाहिए, तारिक साहब हमारे साथ टाइम डिस्कनेक्ट हो, दवाई सस्ती नहीं होनी गरीब, सब कुछ जवाब जो है आपके सवाल का जवाब अगले प्रोग्राम में जरूर ले लेंगे, तारिक साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज। जी देखिए जी, वो जो आजिज धामरा साहब बार बार दवाई की बात कर रहे हैं, मैं चूंकि खुद डॉक्टर हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दवाइयां जो हैं वो 400% तक महंगी हुई हैं, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, हर घर की जरूरत है, बुजुर्ग होते हैं जिसमें शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ये आए दिन की जरूरत है, लोग आज दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं, ये एक मसला है, यानी साहब ये मसला मैं आपको जवाब एक दे दूं, आपकी गवर्नमेंट मैं डॉक्टर साहब एक जवाब से देना चाहता हूं, एक जवाब मुकम्मल करने, मैं कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, नहीं मैं आपको एक जवाब दे देता हूं, मैं अल्लाह का करम है मैं आपको जवाब दे देता हूं, आपकी गवर्नमेंट ने अपने दौर में महंगी नहीं आपको बड़ा प्रेशर रहा, नहीं सर सुन नहीं प्रेशर नहीं गलत बयान नहीं कर रहा ना, दवाइयों को मैं आपको जवाब दूं, आपकी गवर्नमेंट ने, मैं कल डॉक्यूमेंट इधर दूंगा इनको, 22 मई को आप लोगों ने दवाइयां बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट के साथ आप लोग बैठे, आपकी काबीना का फैसला जो दवाइयां बढ़ी हैं वो हमने सस्टेन किए हैं दिसंबर तक, उसके बाद जो आपने पास किया था कैबिनेट में दवाइयां बढ़ाने का बिल 247 में, ना ना 947 में जो हमने पास किया था 22 मई में, नहीं सुने या ना, ना 22 मई 2018 और आप अगर वाकई आपको सच बोलना है, जाना नहीं चाहता, नहीं नहीं आज बड़े संगीन इल्जाम आज है आपकी वजारत के डॉक्यूमेंट में आपको देता हूं, मैं नहीं जाना चाहता, भी ऑनर साहब आप खुश भी होने देना, मैं आपको कम करने की उन इल्जामों का अभी तक जवाब नहीं आया, आज रख लेना, आज रख लें, कल आ जाए, कंपनी के नाम भी मौजूद है जिन्होंने कहा कि हमने पैसे दिए हैं, ये मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर चीजें, आज आप सुप्रीम कोर्ट का और हमारी गवर्नमेंट का आप आ जाएं, ये बड़ी बड़ी ज्यादती होनी चाहिए, दवाई अहम इशू है, याद आपने रखी हुई है, इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है इस पे, एक और नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम रख लेते हैं डॉक्टर तारिक साहब के साथ और आरिज धामरा के साथ, लेकिन ये चीज भी फैक्ट है कि आमिर कियानी साहब यहाँ पर क्लीन चिट लेके आए हैं, पूरी इंक्वायरी का सामना करके आए हैं, बट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तारिक फर्स्ट साहब भी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, आरिज धामरा साहब भी, सो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी मामले पर रख लेंगे, तो आज का प्रोग्राम बड़ी जबरदस्त डिबेट रही, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।